सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बजट लैपटॉप्स जो हैं वो कौन सा आपको खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए और किन किन लोगों के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको लैपटॉप शो करना चाह रहा हूँ ये है लिनोवो का आइडियापैड 330। ये जो है i5 में जो आता है उसके बिल्कुल सेम है, वैसा ही है ये लैपटॉप। डिजाइन वाइज भी डिस्प्ले भी तकरीबन वैसा ही होगा। इसका 720 है मगर वो आपको 1080 मिल सकता है। ये टाइप सी भी सपोर्टेड करता है। इसमें जो है ये इंटेल का आप देख सकते हैं सेलेरॉन के साथ आ रहा है, 4 GB 500 GB। ये सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड मैं करूंगा जो सिर्फ मल्टीमीडिया यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, जो मल्टीमीडिया यूजेज और सिर्फ जो है अपना असाइनमेंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, सिर्फ उनको मैं रेकमेंड करूंगा ये। अगर आप बिल्कुल ये असाइनमेंट्स को ये के लिए लेना चाह रहे हैं, लैपटॉप आपका बजट बहुत ही लो है और सिर्फ ऑनलाइन मल्टीमीडिया यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप HP स्ट्रीमबुक भी तरफ जा सकते हैं। मगर ये इसमें स्टोरेज बहुत ही कम मिलेगा आपको, बहुत ही कम स्टोरेज होता है। 32 GB या 64 GB में आएगा ये आपको, तकरीबन जो है वो 14,000 से 18,000 के दरमियान मिलेगी। बाकी ये वैसे असाइनमेंट्स वगैरह और अपनी ये जो है नॉर्मल यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी ठीक है। और नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है जो ज्यादातर लोग इसी रेंज में जाते हैं कि हल्की फुल्की गेमिंग हो और साथ में असाइनमेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, ये भी ये है एसर स्पायरी 5576G, 8th जनरेशन i5 है। ये आपका जो प्रोसेसर है ये लास्ट जनरेशन के 7200 i5 के साथ जो है ना 7th जनरेशन 7200U जो था उससे दुगना पावरफुल आ रहा है अभी। तो 8th जनरेशन में काफी उन्होंने इम्प्रूव करके दुगनी परफॉर्मेंस आपके यूजर को प्रोवाइड करने की कोशिश की है इंटेल ने। मगर इसमें अगर आप ये खरीदने जाएं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई भी गेमिंग लैपटॉप खरीदें उसमें 4 GB की बजाय 8 GB रैम वाला मॉडल बाय करें। आपको ये 60 से 65 हज़ार के करीब ये मिल जाएंगे लैपटॉप्स, काफी मिल जाएंगे इसी तरह के MX130 के साथ या GeForce 940 MX। हाँ, GeForce 940 MX जो है वो सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जितनी MX130। सो इनके बारे में ज्यादा क्यूरियस ना होइएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो असाइनमेंट्स वगैरह और स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हैं नॉर्मल, ये ज्यादातर आपके जो AAA टाइटल जो है वो पुराने जो है थोड़े से उन्हें चला भी सकता है ये लैपटॉप। तो नेक्स्ट है वो लोग जो सिर्फ अपने नॉर्मल यूजेज के लिए या फिर वो बिजनेस में है, तो एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए, एक अच्छी अपने को ज्यादा रैम हो जिसमें जो ज्यादा हैवी जो एप्लीकेशन है उन्हें लोड कर सके जल्दी जल्दी से, उसे कोई मसला ना हो चलने में, बैटरी टाइमिंग भी ठीक हो। तो HP पवेलियन ये टच स्क्रीन के साथ होता है, 8th जनरेशन i5 है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, 12 GB रैम है, 1 TB हार्ड ड्राइव है, टच स्क्रीन भी है, बी एंड ओ के स्पीकर है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, काफी अच्छा है फॉर दोज पीपल हु आर इन बिजनेस, फॉर नॉर्मल यूजर जो चाह रहे हो भी सिर्फ सिंपल सा चाहिए उन्हें, हल्की फुल्की गेमिंग भी इस पे, हल्की फुल्की आप गेमिंग कर सकते हैं किसी हद तक GTA वगैरह के लिए, GTA 5 वगैरह बहुत सिंपल सी चल जाएगी इस पे लो रेजोल्यूशन में। फॉर दो नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो उन लोगों के लिए जो हैवी गेमिंग के लिए, जो नॉर्म 720 या 1080 पे अपनी गेमिंग करना चाह रहे हैं लो पे, मगर वो चाह रहे हैं कि अच्छी तरह वो गेम चले, तो उनके लिए ये है HP पवेलियन पावर है, 7th जनरेशन है, i7 है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, क्वाड कोर है, इसमें आपको वेरिएंट्स मिल सकते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड भी है। ये आपको तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 में मिल सकता है। इसमें अगर आप चाहें तो आप 4K पैनल भी खरीद सकते हैं, 5,000 पड़ेंगे, और मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप 4K लिए जाएं, आपको एक अच्छी वो मल्टीमीडिया में डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें रैम आप कम से कम 8 GB रखें क्योंकि गेमिंग के लिए 4 GB रैम आजकल कुछ भी नहीं है, 8 GB के साथ जाएं 5,000 पे आपको ज्यादा पड़ सकते हैं। या आप अगर मार्केट में से खरीदते हैं, ऑनलाइन ना खरीदें, तो जी आपको 1 लाख में भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत आप अगर मार्केट में घूमे फिरेंगे तो आपको ये 1 लाख के करीब भी मिल सकता है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो साथ में एक 128 GB SSD भी बाय करें, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक SSD वाला कोई गेमिंग लैपटॉप बाय करें। इससे आपको वैसे तो जो है वो गेमिंग में ज्यादा एज शायद ना मिले, मगर आपके जो बूट टाइम्स हैं लैपटॉप के, स्टार्ट और शट डाउन, वो बहुत स्पीड से होंगे और आपको एक अच्छा कंप्यूटर देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इसमें जो है ये आपका क्रोम वगैरह जो एप्लीकेशन है बहुत स्पीड से लोड करती है, फिर
तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक एसएसडी के साथ बाय करें, और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में से जाके लैपटॉप बाय करें, ऑनलाइन ना बाय करें। अगर ऑनलाइन बाय भी करना है तो पहले एक मरतबा, कम अज कम एक मरतबा जाके मार्केट में विजिट करें, क्या रेट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, क्या यहाँ पे मिल रहे हैं, किस तरह क्या डिफरेंस आ रहा है, और देखें भी अगर आपको कोई पुराना मॉडल मिल रहा है जिसमें i7 हो, 6700 HQ वगैरह का प्रोसेसर हो, तो वो सेम परफॉर्मेंस देता है i5 7th जनरेशन के करीब, और काफी ज्यादा लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है जिनमें वो प्रोसेसर भी मौजूद है, और कई लैपटॉप में वो अपना GTX 950M प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है आपको, जो कि अभी जो मौजूद है MX 150 उसके करीब करीब परफॉर्मेंस है, उससे बल्कि थोड़ी बेहतर ही होगी। तो मार्केट में घूमे फिरें, थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें, अगर आपको कोई पुराना मॉडल मिल रहा है तो उसमें ये भी आपको एज हो सकता है पुराने मॉडल में कि आपको एक अच्छा वाईफाई कार्ड मिल जाए, यानी कि अभी आपको जो ये नए लैपटॉप आ रहे हैं ना सस्ते सस्ते जो है बजट में, इनमें 35-65 जो है इंटेल का कार्ड मिल रहा होगा, मगर आप अगर पुराने वाला लेंगे तो आपको 72-65 मिल जाएगा, जो कि उनसे ऑलमोस्ट जो है वो 70-80% ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। सो दैट वॉज इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।